मुझे पता लग गया अंकल डर रहे, मैं अभी और डराऊंगा। मैंने बैग उठाया, सीट पे रखा, धीरे धीरे जिप खोलते, मैं बशीर भाई जिस मकसद से दिल्ली भेजा था ना, इंशाल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर इज बर्निंग। ये जो कश्मीर के सूरत हाल है, ओडिशा रे साइक्लोन रो आशंका ओ कश्मीर रे गुली रो वर्षा। माय नेम इज अतुल शर्मा, आई एम फ्रॉम कश्मीर। सही यार, इतने सारे लोग हमारे यहाँ, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, आजादी मांग लेते। दो ढाई साल से मैं मुंबई में रह रहा हूँ, तो रिसेंटली ना मेरा फ्रेंड आया था कश्मीर से मुंबई में, तो न्यू ईयर ईव पे ना हम नरीमन पॉइंट पे थे, सब उस दिन वही थे, पूरा पूरा मुंबई उस दिन नरीमन पॉइंट पे था। तो भीड़ में मेरा तो पीछे रह गया, तो मैंने दूर से आवाज आई, मैं अजमल इस तरफ जल्दी। 30 सेकंड बाद सिर्फ मैं और अजमल के बाद। कुछ भी कर रहे हैं। ट्रू स्टोरी, मैं भी आता शेयरिंग कैब में, मेरे साथ ना अंकल थे। अंकल पूछते बेटा क्या नाम है, मैं अतुल शर्मा। ओहो पंडित कहाँ से हो, मैं कश्मीर। अंकल थोड़ा उधर सड़क। इतनी देर फोन बजा, मैं फोन निकाला, मैं अस्सलाम वालेकुम बशीरवान। अंकल पूरा उधर सड़क। मैंने सामने शीशे में देखा, अंकल मुझे और मेरे बैग को ना ऐसे देख रहे, मुझे पता लग गया अंकल डर रहे, मैं अभी और डराऊंगा। मैंने बैग उठाया, सीट पे रखा, धीरे धीरे जिप खोलते, मैं बशीर भाई जिस मकसद से दिल्ली भेजा था ना, इंशाल्लाह। अंकल चलती गाड़ी से कूद गए। इन फ्रॉम कश्मीर ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स है मुंबई और बॉलीवुड से। 26/11 का एक अटैक और बॉलीवुड ने सब मूवीज बना दी उनके लिए 26/11 को लेकर, डी डे, हॉलीडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जितने डे सब 26/11। और कश्मीर में रोज होता है, कश्मीर के नाम पे हमें क्या दिया, मिशन कश्मीर। साले इसके नाम में मिशन है, इसको देखते हुए क्या स्टेटस डालोगे, वॉचिंग मिशन कश्मीर फीलिंग मोटिवेटेड, हैशटैग प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर नेक्स्ट मिशन। और अगर वॉचिंग की जगह प्लानिंग हो गया तो प्लानिंग मिशन कश्मीर विद अजमल एंड बशीर एट लाल चौक, एनीवन अराउंड प्लीज जॉइन अस। जितनी भी ये मूवीज है ना, डी डे, हॉलीडे, पेट्रियोटिक मूवीज जितनी भी मुंबई वालों ने बनाई, सब में ऐसे दिखाया है कि पूरी दुनिया के टेररिस्ट का मेन टारगेट मुंबई है। हमें कौन आना चाहता है मुंबई यार, नवी मुंबई के लोग मुंबई नहीं जाना चाहते। इवन जब टेररिस्ट को ये टारगेट मिलता है, लग नहीं नहीं पा, इराक सीरिया भेज दे मुंबई नहीं, सारा दादर स्टेशन पे बम लगा के जिंदा बाहर आ नहीं सकते। देखो ओसामा भाई ऑन ड्यूटी मरने से डरता नहीं है, लेकिन बम लगा के ड्यूटी खत्म करके मैं बाहर निकला और स्टैम्पीड में दबके मर गया। तो ऊपर जाके क्या जवाब देगा जब इसने पूछा, देख भाई स्टैम्प तेरे बम में मरे 15, स्टैम्पीड में मरे 25, अभी स्वर्ग तो बीएमसी को मिलना चाहिए। मुझे बहुत सही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन अनदर कन्फेशन, बीइंग फ्रॉम कश्मीर ना आई लव पाकिस्तानी पीपल, आई लव, बिफोर जजिंग मी सुन लो, एक्सक्यूज मी सुन लो, कि जो पाकिस्तानी लोग होते हैं उनके एक्सक्यूज, माशाल्लाह। रिसेंटली ना मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना एक बहुत बड़ा ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, कारगिल वॉर पे डिस्कशन कर रहा है, और उससे रिपोर्टर ने सवाल पूछा, तो आपको कब एग्जैक्टली ये लगा कि हिंदुस्तान से हम ये जंग हार गए हैं? एंड ही गेव द मोस्ट चिल्ड आउट आंसर, इज लाइक एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, गर्मियों के दिन थे।